जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ख जो समझा जाता है वो गधे को समझा जाता है, और इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना होता है तो उसे उपमा के स्वरूप लोग कहते हैं ये तो गधा है। तो गधा जो है वो सबसे ज़्यादा मूर्ख प्राणी समझा जाता है, जो इस धरती पर रहने वाले प्राणियों में सबसे ज़्यादा कम अकल होता है। और गधे पर कई सारी कहानियाँ बनी हुई है जो कुछ न कुछ सीख देकर जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको गधे पर बनाई गई दो ऐसी कहानियाँ शेयर करने जा रहे हैं, दो ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद में आप यदि इन कहानियों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव जरूर महसूस होगा। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ा ही छोटा सा गांव था और उस गांव में एक गधा रहता था। वो गांव इतना छोटा था कि बाकी पूरी दुनिया से वो कटा हुआ था, बिल्कुल कटा हुआ था। ना कोई वहां आता ना कोई वहां से जाता, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था आने जाने के लिए। एक बार गधे ने सोचा क्यों ना जंगल के उस पार जाकर देखा जाए, आखिर उस तरफ है क्या। तो गधे ने थोड़ी हिम्मत की और अगले ही दिन सुबह होते ही जल्दी ही वो गाँव से निकल पड़ा और जंगल से आगे बढ़ने लगा। जंगल काफ़ी घना था, गधा काफ़ी मूर्ख था, बिना सोचे समझे जिधर मन करता उधर चलता, जिधर मन करता उधर से आगे बढ़ने लगता। जैसे तैसे उसने उस जंगल को पार कर लिया और जंगल के दूसरी ओर एक दूसरे गांव में पहुंच गया। उधर उस गांव में हल्ला मच गया जहां से वो गांव छोड़ कर गया। सब बातें करने लगे, अरे वो गधा तो देखो कितना भाग्यशाली है, यहाँ से निकल गया, जंगल पार कर गया, अब देखो कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा, और एक हम है जो यहीं। लोगों की ये सारी बातें वहां मौजूद एक कुत्ते ने भी सुनी। उस कुत्ते ने रातों रात एक मीटिंग की, सारे कुत्तों को बुलाया कि हमें भी जंगल के उस पार जाना होगा। सभी ने एक स्वर में हाँ कही, हाँ हाँ हमें भी गांव छोड़कर उस जंगल के उस पार जाना होगा, आराम की जिंदगी जीनी ही होगी। सभी कुत्तों ने तय कर लिया, सुबह जल्दी ही कुत्तों का झुंड जंगल पार करने के लिए निकल पड़ा। अब कुत्तों के अंदर एक विशेष बात होती है कि वो सूंघने की क्षमता उनकी बहुत अधिक होती है, और चूंकि गधा उस गांव में काफ़ी लंबे समय से रह रहा था तो कुत्तों को उसकी गंध बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। तो अगली सुबह ही सारा का सारा कुत्तों का झुंड निकल पड़ा और उस गधे की गंध का पीछा करते करते वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो गधा गया, उसी रास्ते से जंगल को पार कर गए। बस फिर क्या था, गांव के अन्य पशुओं ने भी जंगल पार करने की सोच ली और धीरे धीरे सभी जंगल पार करने लगे, दूसरी तरफ आ गए, और सभी गधे के द्वारा खोजे गए उसी रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। अब क्या हुआ, जब बार बार किसी रास्ते पर चला जाता है तो वहां एक पगडंडी सी बन जाती है। तो बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई, और कुछ सालों बाद लोगों ने भी सोचा कि भाई अब इस गांव में कुछ पड़ा नहीं है, चलो हम भी जंगल के उस पार चलते हैं। तो लोगों ने भी उस पगडंडी का अनुसरण करते हुए लोग जाने लगे। समय बीतता चला गया, धीरे धीरे गांव की आबादी काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि लोग बाहर से भी आने लग गए, इधर से भी जाने लगे, आना जाना हो गया। समय बीतता गया, धीरे धीरे गाँव की आबादी बढ़ गई। तब सरकार ने सोचा कि लोग जंगल को पार करके आते हैं, पगडंडी से आते हैं, कोई रास्ता नहीं है, तो चलो एक रोड बना दिया जाए। रोड निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई, बजट भी पास हो गया। शहर से इंजीनियर का एक दल आया और उस इलाके में स्टडी करने लगा। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है और अगर उसी पर सड़क बना दी जाए, रोड बना दी जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें आदत है उस रोड पर चलने की। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर थोड़ा सा मुस्कराया और मुस्कुराकर बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि यह पगडंडी किसने बनाई। तब गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जहां तक मुझे पता है यह रास्ता किसी गधे ने खोजा था। और फिर उसने वो पूरी कहानी कह सुनाई जो लगभग घटित हुई थी। उस व्यक्ति की बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोला, मुझे यकीन नहीं होता है कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने सालों तक एक गधे के बनाए गए रास्ते पर चल रहे थे। पता है ये रास्ता कितना कठिन है, कितना लंबा है, जबकि हमने एक नया रास्ता खोजा है जो इसका एक चौथाई भी नहीं है, बहुत ही
छोटा रास्ता है, बहुत ही आसान रास्ता है और काफ़ी चौड़ा रास्ता है, और उसे पार करना इससे कहीं अधिक आसान है, और उधर जंगली जानवरों का खतरा भी नहीं है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, वो सोच रहे थे कि काश उन्होंने एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया होता। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है, हम जिंदगी में उन्हीं रास्तों पर चलना चाहते हैं जिन रास्तों पर मूर्ख लोग चले थे, जो मूर्खों ने बनाया था, लेकिन हम बिना सोचे समझे मूर्खों के बनाए हुए रास्ते पर चलने लगे। हमने कभी नहीं सोचा कि हम एक नया रास्ता खोज सकते हैं। जिंदगी में अनुसरण करना बुरा नहीं है, मगर अनुसरण करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हम किसका अनुसरण कर रहे हैं, कहीं हम किसी गधे का अनुसरण तो नहीं कर रहे हैं। तो जिंदगी में जब भी कभी चलना हो, अपना खुद का रास्ता चुनिए, आपका खुद का रास्ता बनाने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपका बनाया हुआ रास्ता पहले वाले रास्ते से और अधिक अच्छा रास्ता हो। गधे पर बनाई गई दूसरी कहानी पंचतंत्र से है, और यह भी बहुत ही जबरदस्त कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था, आराम फरमा रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कैसे ख्याल आ रहे थे? उसने सोचा, अरे भगवान, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। गधा भयभीत हो उठा और चीखने लगा, भागो 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 भागो, धरती फट रही है, भागो, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वो पागलों की तरह एक दिशा में तेजी से दौड़ने लगा। उसे इस कदर भागता हुआ देखकर एक अन्य गधे ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, आखिर तुम इस तरह से बदहवास क्यों भागे जा रहे हो। गधे ने कहा, अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वो भागने लगा, तेज भागने लगा। ये सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ ही भागने लगा। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। देखते ही देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में तेजी से भागने लगे। सभी गधों को इस तरह भागता देख दूसरे जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी और जल्दी ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मचने लगी। क्या सांप, क्या बिच्छू, सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े, सभी उस झुंड में शामिल होकर भागने लगे, भागो भागो भागो, धरती फट रही है, धरती फट रही है। जंगल में फैले इस हो हल्ले को सुनकर अपनी गुफा में विश्राम कर रहे जंगल का राजा शेर बाहर निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वो उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई धाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज, आपको मालूम नहीं है धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए, झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला। धरती फट रही है, किसने कहा ये सब तुमसे, शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। अच्छा, चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुना था महाराज, और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले एक गधे ने बताई थी। गधे को महाराज ने अपने सामने बुलाया, तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है, शेर ने गुस्से से पूछा। महाराज, मैंने तो अपने कानों से धरती फटने की आवाज़ सुनी थी महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। अच्छा, ठीक है, चलो दिखाओ मुझे वो जगह जहाँ धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस ओर ढकेलता हुआ ले गया। बाकी जानवर भी उनके पीछे पीछे आने लगे और डर डर कर चल रहे थे, उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हजूर, मैं यहीं सो रहा था और तभी जोर से धरती फटने की आवाज़ आई, मैंने खुद अपनी आंखों से उड़ती हुई धूल को देखा और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा तो सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ये गधा महामूर्ख है, महामूर्ख। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिरा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा ना जाने कैसे इसे धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा, पर भाइयों, ये तो गधा है, गधा, पर क्या आपके पास अपना कोई दिमाग नहीं है,
जाइए अपने अपने घर जाइए, और आइंदा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा ही होता है, हम किसी अफवाह को सुनते हैं और उस पर यकीन कर बैठते हैं, और उस अफवाह की चपेट में आकर हम कई बार ज़्यादा पैसों के लालच में अपनी गाढ़ी कमाई को भगने वाली कंपनियों में लगा देते हैं। कई मामलों में ये अफवाहें दंगे फैला देती है, भगदड़ के रूप में कई लोगों की जान ले सकती है, और इसीलिए किसी भी बात पर यकीन करने से पहले अपना दिमाग जरूर से लगा लेना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि अगर सैकड़ों लोग कुछ कह रहे हैं तो वो भी गलत हो सकती है, और इससे बचने में ही भलाई है। अभी कुछ समय पहले लोगों ने मुकेश खन्ना, जो कि महाभारत में भीष्म पितामह का जिन्होंने रोल किया था, उनकी मृत्यु होने की अफवाह फैला दी थी। इस तरह से और भी कई अफवाहें फैल जाती है, तो अफवाहों पर यकीन करने से पहले समझ लेना चाहिए कि अफवाह का सोर्स क्या है, यानी कि किसी बात का सोर्स क्या है। तो ये थी गधे से जुड़ी 2 कहानियाँ जो हमने आपके लिए वीडियो के रूप में आपको पेश की है। आशा है ये कहानियाँ आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।